ये आ गया हम रॉक गार्डन। ये है रॉक गार्डन की एंट्री। बहुत अच्छा अच्छा बिहार यहाँ से लेनी पड़ती है, पहले टिकट कलेक्ट करो। यहाँ से टिकट कलेक्ट करो फिर एंट्री होती है आगे। अभी देख रहे हैं कुछ खाने पीने को मिल जाए। गर्मी इतनी है कि चला नहीं जा रहा, क्यों ना नींबू पानी हो जाए थोड़ा थोड़ा, बहुत प्यास लगी हुई है। सही वाला बनाइए भाई। जा रहे हैं हम टिकट कलेक्ट करने डैम है। ये टिकट प्राइस ये अभी हमारी टिकट 30 रुपीज पर पर्सन। अभी करेंगे हम एंट्री, फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये एंट्री ये लगी हुई है लोकल मार्केट, कुछ लेना हो यहाँ से तो ले सकते हो। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले हमें पूछना पड़ता है भाई, मिक्स चलेगा मिक्स। हमारी टिकट चेक, ये लो भाई। डन, ये आ गया हम वो गार्डन। ये रॉक गार्डन, इधर मर्जी चले जाओ। ये देखिए बंद है। बंद है।
जगह पे इतने रास्ते हैं कि आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से जाना कहाँ से नहीं। बच्चे पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये वाटरफॉल ये देखिए, यहाँ पर भी स्केच वगैरह अपना बनवा सकते हो आप। ये देखो सब स्केच बना रहे हैं पे। कितने पीस लेते सर? 300 से स्टार्टिंग है। 300 का है ये, 500 का है ये, 1000 का है, ओके ये 2000 का है पर पर्सन, ओके। तो यहाँ पे आके आप अपना स्केच वगैरह बनवा सकते हो। लाइफ टाइम मेमोरी जो आप घूमने आते हो यहाँ पे, ये देखिए। ये देखिए वाटरफॉल, क्या मजा है यहाँ पे। काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार घूमोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ये जा रहे हैं मंदिर, गर्मी से हो गई हालत खराब। ये देखिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए कितने प्यारे। और इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए, दी हुई है ऊपर। माइया खड़ोई मैं तो सोना नहीं हेटी वो बिट गए। चलो Thank you.
ये जा रहे हैं हम अब नीचे। ये दिखांदे खांदे चलना हां गर्मी का प्रकोप इतना है कि परसीने चुड़ चुड़ पै रहे हैं। है वो यार ये पुराने टाइम की बन रही है आपने बनाई। गर्मी का प्रकोप इतना है कि परसीने जो चुड़ चुड़ पै रहे हैं। अलादीन का कुआं, ये अलादीन का कुआं, पर होता कुछ नहीं है इसमें। दिखाते हैं आपको अलादीन का कुआं भी, ये देखो इतना गहरा है कुछ और। ये ऐसी चीज़ों से बनाया गया है जो अनयूज्ड हैं, जो यूज ना हो सके हैं। जैसे ये देख रहे होंगे आप सामने प्लेट्स वगैरह जो होती हैं चीनी मिट्टी की, उसके साथ कला की हुई है इसमें। जो सामान टूट चुका होता था वेस्ट होता था उससे कला की हुई है ये सारी। ये देखिए और एक चीज जो है चीनी मिट्टी की, उससे जिसे ग्लास प्लेट वगैरह बनती थी वो यूज किया गया इसमें सभी में। ये देखो कोई बंदर बनाया हुआ, कोई क्या बनाया हुआ, कोई हुक्का, जो बुजुर्ग करते थे वो काम किए हुए हैं इसमें। इसमें कला में दिखाया हुआ है। उधर से करते हैं एग्जिट। गर्मी से बहुत ही माड़े हालात हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि पसीना चुड़ चुड़ पै रहा है। ये देखिए कलाकृति देखिए आप, क्या क्या है, कितने शानदार है। ये देखिए अपना मकसद आपको दिखाना,
कि आप देखो क्या क्या चीज़ है, कैसे बनाई हुई है। यही है अपना मेन मकसद कि आपको दिखाएं, जो नहीं आए यहाँ पे उनको दिखाना ही हमारा मकसद है। कला देखिए अब क्या क्या है, अभी हम घूम रहे हैं रॉक गार्डन में। कदान था तू गिलाई ले भी छोड़ दिया। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा बुक्स में, बुक्स हम चैप्टर में है ना, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। सिक्स सेवन में इसकी बुक्स आती हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें कला देखिए अब कला, जाने के लिए छोटा सा गेट बना हुआ है, छोटा सा। ये देखो जो चूड़ियाँ होती हैं उनसे बनाई हुई, सभी कितनी मेहनत लगी होगी इसमें देखो। अपना मकसद ये है आपको दिखाना, सिर्फ आपको चीज़ दिखाना। देखिए और अपना कोई मकसद नहीं है। देखिए कितना हार्ड वर्क किया हुआ है, ये देखो मोर। चूड़ियों से कैसे बनाए हुए देखिए, इसको बोलते हैं कला। कितनी कारीगरी की हुई है देखो ध्यान से। कितनी मेहनत लगती है इस चीज में। कितनी प्यारी प्यारी बनाई हुई हैं देखिए, कितनी प्यारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए जितना अंदर जाते जाओ उतना ही आपको अलग अलग तरह की आकृतियाँ मिलेंगी देखने को, जितना अंदर जाओगे उतना ही। ये देखिए देखना है।
ये तो वो चीज़ है जो वेस्टेज होती है ना, वेस्टेज उस चीज़ से बनाई हुई है। छोटा सा दरवाजा। नेक्स्ट चलो, ये हो गया हमारा टूर खत्म अंदर का, अब चलते हैं घर।